एक जितना कमजोर होगा। दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। अब इंडिया में नहीं तो कहां होने वाली है, क्या शर्तें हैं विदेश में टाइगर 3 की शूटिंग के लिए, क्या होने वाली फिल्म की खास बातें। हिंदी सिनेमा की सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स ने अपनी अगली फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ करने का फैसला किया है जिनको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसके लिए कंपनी ने पर्याप्त समय लेने का भी निर्णय लिया है और इसी वजह से मुंबई में लगा फिल्म का सेट भी तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान में सलमान खान की स्पेशल अपीयरेंस की शूटिंग के बाद यशराज फिल्म्स ने मार्च महीने में अपनी टाइगर सीरीज की तीसरी किश्त यानी कि टाइगर 3 की शूटिंग शुरू करने की तैयारी कर ली थी और शूटिंग शुरू होने से एन पहले फिल्म की हीरोइन कैटरीना कैफ को कोरोना हो गया जिसकी वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी। कैटरीना ठीक हो पाती उससे पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में लॉकडाउन लगा डाला और ये लॉकडाउन अभी 15 जून तक जारी है। इस बीच यशराज फिल्म्स ने हिंदी फिल्म जगत के सभी कर्मचारियों और टेक्नीशियंस को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से वैक्सीन खरीदने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये वैक्सीन खरीदने की अनुमति कॉर्पोरेट कंपनियों को सीधे देने की बजाय सिर्फ निजी अस्पतालों को ही दी जाएगी, तो इस वजह से भी ये काम नहीं बन पाया। और अब यशराज सोच रहा है कि वो सभी को विदेश ले जाएगा, लेकिन उसके लिए भी वैक्सीन होनी ज़रूरी है क्योंकि शर्तें हैं कि तभी आप कहीं जा सकते हैं जब आप वैक्सीनेटेड हो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से टाइगर 3 को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं और बहुत कुछ किया जा रहा है, वैक्सीन लगाई जा रही है, सेट तोड़ दिया गया है और विदेशों में शूटिंग होनी है। इस बार 16 अलग अलग लोकेशन, अलग अलग सिटीज़ आप विदेशों की देखेंगे इस फिल्म में। वहीं दोस्तों इस फिल्म में एक और एक्टर की एंट्री से तबाही मच गई थी, यानी कि इमरान हाशमी जब से इस फिल्म से जुड़े हैं भले उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा लेकिन हिंट ज़रूर दे दिया था जब उनसे पूछा गया कि आप टाइगर 3 में होने वाले हैं, तो इस बारे में उन्होंने कहा कि आपको सब पहले ही पता चल गया, मैं क्या बोलूँ। तो उनका मतलब सीधा सीधा यही था कि वो फिल्म में होने वाले हैं। टाइगर 3 एक बेहतरीन कहानी, नई फ्रेश कहानी के साथ आगे बढ़ाई जाने वाली है। आपको कितना वेट है टाइगर 3 का हमें ज़रूर बताइएगा। रिलीज़ की बात करें तो 2022 तक इसे रिलीज़ किए जाने का प्लान है। सलमान खान इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ बिजी हैं, उनकी इंडियाना जोन्स आने वाली है, कभी ईद कभी दिवाली आने वाली है, तो बहुत सारी फिल्में हैं। तो आप कितना वेट करते हैं सल्लू की फिल्मों का नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल